हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। गाइज, आज हम पढ़ेंगे निबंध प्रदूषण की समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में निबंध इसी के ऊपर आता है, प्रदूषण की समस्या। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रदूषण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, सबको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ दूषित पदार्थ है। यह हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं। प्रदूषण बढ़ने का कारण मनुष्य है, जो अपने फायदे के लिए वातावरण पर अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ काटना या ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना जो प्रकृति पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार की, उसके बाद हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। प्रदूषण के कई प्रकार धरती पर वातावरण में अदृश्य रूप में मौजूद हैं। इसके प्रकार इस तरह हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा मनुष्य सांस लेता है। आज के समय में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी ऑक्सीजन युक्त हवा में मिश्रित हो गया है। मनुष्य के सांस लेने पर वह अशुद्ध पदार्थ भी शरीर में जाते हैं और उससे मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। समाज में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की सुनने की एक समान क्षमता होती है, लेकिन ध्वनि सहन शक्ति से अधिक हो तो वह मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण का कारण कार, मोटरसाइकिल और वाहनों के हॉर्न से आने वाली ध्वनि, देर रात तक पार्टियों में चलने वाले गाने इत्यादि हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल हमारे कई प्रकार से उपयोग में आता है। मनुष्य के जीवन में पानी बहुत अहमियत रखता है, परंतु मनुष्य जल को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मनुष्य जल की बर्बादी करते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में हमें जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भूमि प्रदूषण। लोगों द्वारा अनेकों तरीकों से भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और भूमि उपजाऊ शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। अक्सर रासायनिक खादों, फैक्ट्रियों के कचरे, कीटनाशक दवाओं इत्यादि के कारण भूमि प्रदूषित होती जा रही है। तो गाइज, ये थे प्रदूषण और उसके प्रकार। अब हम बात करेंगे प्रदूषण की समस्या से बचाव। प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग निम्नलिखित बचाव के तरीकों को अपनाकर अपना योगदान देना चाहिए। लोगों को पटाखे ना जलाकर, जल को आवश्यकता के अनुसार उपयोग करके, प्लास्टिक का उपयोग ना करके, वातावरण को साफ रखकर, निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन के उपयोग से। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए हम प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके ज़रूर काम आएगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।